हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। अब बात हरियाणा की आवाज की, जिसमें आज 72 दिन बाद भी किसानों का जो मुद्दा है वो जस का तस वैसा ही है। अभी तक किसानों को लेकर, तीन कृषि कानून को लेकर कोई समाधान निकल कर सामने नहीं आया है। 72 दिन बाद भी किसान लगातार धरना कर रहे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हैं। इस बीच किसानों ने 6 फरवरी यानी कल चक्का जाम का ऐलान किया है। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक, 3 घंटे तक चक्का जाम का ऐलान किया है, जिसके बाद से इस पर अब सियासत भी गरमाने लगी है और इस बीच प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। गुरुग्राम में 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात किए जाएंगे और गुरुग्राम में कोई जाम की स्थिति पैदा ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर रहेगा। वहीं प्रदेश में भी चक्का जाम को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक जो है वो आवाज सुनाई दे रही है। एक तरफ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सदन के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में, सरकार को घेर रहा है, तो दूसरी तरफ जो किसान हैं वो लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं और सरकार से तीनों कृषि कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन आज 72वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अब तक कोई हल निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि सरकार की तरफ से जरूर बातचीत की बात कही जा रही है, लेकिन बातचीत के लिए औपचारिक कदम अब तक नहीं बढ़ाए गए हैं और सरकार ने पर यही कहा है कि जो प्रस्ताव उनके तरफ से दिए गए हैं 1.5 साल कानून होल्ड करने को लेकर, उस पर किसान विचार करें, लेकिन किसान इस पर तैयार नहीं है। ऐसे में अब सवाल है कि समाधान कैसे होगा। इस बीच किसानों ने कल यानी 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान कर दिया है और उनके ऐलान के बाद से एक तरफ प्रशासन अलर्ट पर है तो दूसरी तरफ किसान संगठन भी कल किस तरह से चक्का जाम करना उसको लेकर रणनीति बना रहे हैं। तो लगातार गोहाना से एक दर्शक जयदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयदेव, 72 दिन बाद भी कोई समाधान की आस नहीं दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? सर, ये कल पता लग जाएगा कि आस है क्या नहीं है। जी, कल ही कल जब चक्का जाम होएगा, जब पता लग जाएगा कि इसमें क्या कुछ होएगा। कल चक्का जाम में पता चलेगा कि क्या कुछ होगा। ये अभी 7 जिलों में जो इंटरनेट था सेवाएं बंद थी, तो 5ों में बहाल कर दी। सिर्फ सोनीपत झज्जर में क्यों नहीं सेवाएं चालू करते? हम भी तो पढ़ाई करते हैं। क्या चाहते हैं अब आप? हम यही चाहते हैं कि इंटरनेट सेवाएं जल्द से जल्द बहाल कर दी जाए। और जयदेव, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनु एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनु, आपकी क्या राय है? सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो इंटरनेट सेवाएं हैं इनको मतलब दोबारा शुरू करें, क्योंकि इंटरनेट बंद करने से किसान कानून का जो किसान जो आंदोलन है कोई फर्क नहीं पड़ा। जी, ये जो 72 दिनों से आंदोलन चल रहा है और समाधान एक तरह से अभी तक नहीं हो पाया है, इस पर आपकी क्या राय है, क्या सोचती हैं आप? सर, सरकार को जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये बैठकर आपस में बात करें सरकार किसानों के साथ और जो उनका मुद्दा है उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है अनु, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जिन जगहों पर, जिन जिलों में अभी तक इंटरनेट बहाल नहीं किया गया है, वहां पर सरकार को जल्द से जल्द इंटरनेट बहाल करना चाहिए। और इसी को लेकर कल अमेरिका ने भी इस पर बयान दिया था और कहा था कि एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान है कि लोगों तक जानकारी पहुंचे और इंटरनेट भी उसका एक हिस्सा है। बता दें कि किसान आंदोलन के चलते पहले प्रदेश के 17 जिलों में इंटरनेट बंद किया गया था, उसके बाद धीरे धीरे कई जिलों से ये पाबंदियां हटा ली गई हैं, लेकिन अभी भी कई जगहों पर इस तरह की पाबंदियां हैं, जिससे लोगों का यही कहना है कि सरकार पूरे प्रदेश से
जो इंटरनेट को लेकर पाबंदी लगाई गई है उसे जल्द से जल्द हटाए और लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इसके चलते कई समाधान जो है समाधान की कोई आस नहीं दिख रही है। रोशन लाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या राय है आपकी? 72 दिन बाद भी कोई समाधान की आस नहीं दिखाई दे रही है। सर जी ऐसा है, जब नमस्कार, पहले तुम आपको बोलूंगा सर जी। जी ऐसा है, मेरी राय तो यह है कि जब सरकार कह ही रही है कि 1.5 साल के लिए हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं जी, तो इसको 3.5 साल के लिए जो फार्मर मांग रहे हैं क्यों नहीं करते 3.5 साल बाद? वो कह रहे कि बीच में कमेटी बिठा लो भी, उसमें किसान भी आ जाएंगे, सबकी राय से ये काम हो जाएगा। किसान मना थोड़ी कर रहे हैं, वो कह रहे कि 3.5 साल का समय दे दो और बीच में कमेटी बिठा लो। ठीक है रोशन लाल, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय दी, शुक्रिया। लेकिन एक और दर्शक गुरुग्राम से राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, आप क्या कहेंगे? खाली नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी मैं बताना चाहूंगा जी, जिस पेड़ की जड़ में तेजाब डाला जाएगा वो क्या हरा होगा क्या? अब जिस दिन से आंदोलन चल रहा है ये चक्का जाम की नौबत क्यों आई? अब इससे आगे और भी नौबत आ रही है, कभी तो कुर्सी भी छीनी जाएगी। जनता जनार्दन है, ये जनता जनार्दन ही भगवान है और जनता जनार्दन ही भारत माँ है, इसको समझना चाहिए। अब जो ये कील वगैरह लगाए गए हैं ये कील नहीं है, ये आने वाले इतिहास के लिए इन्होंने मतलब है कांटे बो दिए। जो ये काम हो रहा है मौजूदा सरकार के अंदर, आने वाला इतिहास बहुत मतलब दुखी होगा, बल्कि आने वाली सरकारें भी यही काम करेंगी जिस जो रास्ता अपना लिया हमारी मौजूदा सरकार ने। इस बात को सोचना होगा जनता को भी और सरकार को भी, ये कोई अच्छे के लिए नहीं है। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जितने भी अभी तक मतलब इन्होंने कानून लगाए ना, कोई भी है, किसी के धर्म के बीच में अड़ंगा लगाना बहुत ही महाविनाश का कारण। शाहीन बाग के ऊपर गलत करा, तालिबान इन्होंने ब्लेम लगाया, तलाक के ऊपर इन्होंने ब्लेम लगाए, गलत ब्लेम लगाए, उसका ये श्राप किसान आंदोलन है, इनका श्राप अब आगे जाएगा। अब आगे का श्राप वही है कि जैसे चक्का जाम हो रहा है, चक्का जाम के बाद फिर ये कुर्सी की अकल भी आएगी। इस बात में सोचना होगा, 500 सीटें तो ये जनता जनार्दन है 500 सीटों से भी फेंक देगी। धन्यवाद। ठीक है राम, आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान आंदोलन आज 72वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इस बीच कल यानी 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। इस बीच सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर अब भी जो इंटरनेट है वो बंद है और इस बीच कई दर्शकों ने मांग की है कि इंटरनेट सेवा जो बंद है उसे बहाल की जाए। वहीं राज्यसभा में आज कृषि बिल को लेकर कृषि मंत्री ने बयान दिया। एक दर्शक खजान सिंह सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे खजान? मैं कहना चाहता हूं सर कि ये सड़क तो रोक दी सरकार ने और अब सरकार कह रही किसानों की वजह से रोकनी पड़ी इंटरनेट, किसकी वजह से रोकना पड़ा? ये तो पूरा प्रदेश रुक गया, पढ़ाई लोगों की बच्चों की बाधित होगी और सारे दफ्तरों में काम बाधित हो गए, तो जनता की क्या कसूर है इसमें? सरकार को सोचना चाहिए, इनके बात से निपटाना चाहिए जी। आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं आप? 72 दिन हो गया, किसान लगातार खुले आसमान के नीचे अभी भी बैठे हुए हैं, इस दौरान कई किसानों की जान भी चली गई और समाधान कहीं से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्या कहेंगे? एक दर्शक प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आप 72 दिन बाद भी कोई समाधान निकलकर सामने नहीं आ रहा, इस बीच कई जगहों पर इंटरनेट भी बंद है, आपकी क्या राय? जी नमस्कार जी। देखिए जी 72 दिन हो गए, लेकिन मतलब सरकार की तरफ से क्या मतलब संदेश आ रहा है? मेरे को तो लगता नहीं समाधान की तरफ सरकार बढ़ रही है। किसान तो अपनी मांग रख रहे हैं स्पष्ट, भाई हमको एक कानून नहीं चाहिए, लेकिन सरकार का एक रवैया भी मतलब किसान जो मांग रहा है मतलब जो मांग है भाई हमें MSP पे कानून दे दो आप, भाई MSP से नीचे अगर कोई खरीद करेगा तो मतलब सजा का प्रावधान, कोई चीज मांग नहीं रहे सरकार से जो सरकार नहीं दे सकती। ये तो एक किसान को एक बदनाम करने का षड्यंत्र दिन प्रतिदिन रचा जा रहा है जी।
किसानों को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन कल किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया है, इस पर भी कोई प्रतिक्रिया है आपकी? क्या कहेंगे, क्या मानते हैं? तो प्रदीप से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, 72 दिन बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। और इस बीच जिस तरह से करनाल से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामेश्वर, उनसे जानना चाहेंगे। रामेश्वर, क्या राय है आपकी? इतने दिन हो गए, 72 दिन हो गए इसमें किसान आंदोलन में, इसका कोई तो सरकार में हल निकालना चाहिए जी। अब जो चक्का जाम है ये अलाचारी में करने लगे हैं, नहीं इनका कोई इरादा नहीं था चक्का जाम करने का। और एक ये जो जी कील दिल्ली बॉर्डर पे ठोकी गई है, इनका है ना अर्जाना, ये सारा हम लोगों में पड़ेगा। 130 करोड़ में लाख या रुपये लगेंगे तो एक रुपया मेरे बंट में दिया होगा। ये सारा जो भी हो रहा है जी गलत हो रहा है, कील तो ठोकनी नहीं चाहिए जी, है ना, कांटे बो दिए तो इन्होंने, बातचीत से हल निकालना चाहिए सर इसका। ठीक है, बातचीत का हल बातचीत से निकालना चाहिए। रामेश्वर, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक जयवीर लांबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, इस किसान आंदोलन के 72 दिन हो चुके हैं, क्या राय है आपकी? और कल किसानों ने चक्का जाम का भी ऐलान किया है, इसको किस तरह से देखते हैं? सर हमारी तो यही राय भी, किसानों की आपस में जो बातचीत होती है उसके लिए इंटरनेट ही बंद कर दिया, तो इसमें तो सरकार की मंशा किसानों के पक्ष में नहीं है। जो इसमें आदान प्रदान होता है भी, एक किसान दूसरे किसान से बात कर रहा है या इंटरनेट से भी, हमारे यहाँ टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे जो बातचीत हो रही है, जो भी वहाँ की सिचुएशन है, एक किसान अगर गांव में भी वो बैठा है वो भी तो किसान है, और गाजीपुर या किसी बॉर्डर पे बैठा है वो भी तो किसान है। अगर वहाँ की आदान उनको पता नहीं चलेगा तो सरकार की मंशा जो बिल्कुल किसान के विरोधी है। सरकार की मंशा किसान विरोधी है, लेकिन कल चक्का जाम को लेकर क्या कहेंगे? ठीक है, तो जयवीर लांबा जुड़े थे हमारे साथ और वो बता रहे थे कि ये जो इंटरनेट बंद किया गया उससे किसानों की भी जो आपस में बातचीत होती थी वो भी एक तरह से बाधित है, और इसको लेकर वो सरकार के मंशा पर भी सवाल उठा रहे थे। गुरुग्राम से हमारे दर्शक एक दर्शक राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, क्या राय है आपकी? खालिद जी, मैं बताना चाहूंगा आपको जी, मेन चीज है जो पंचायत से, बिरादरी से, समाज से कोई कानून भी बड़ा नहीं है, जुडिशियल भी बड़ी नहीं है जी। अगर आप जाओ ना, जब भी पंचायत अगर फैसला लिख के देती थी ना, वो सर माथे पर होता है। इसलिए जो ये सोच रहे हैं ना कि हम प्रधानमंत्री बन गए, हम मंत्री गए, वो कर गए, जनता जनार्दन खा, पंचायतों की पंचायत हो रही है। और मैं अपील भी करना चाहूंगा, आने वाले समय में पगड़ी को आप वापस मत करना, उन पगड़ी को लेके अपने पास रख लेना कि आप वही हो जिसने हमारे को बरसात में, भरी बरसात में, ठंड में हमारे को तड़पाया। अपना रास्ता नापो, हमारे पास इस देश के अंदर बहुत विकल्प हैं और बहुत नेता आएंगे, अच्छे अच्छे आदमी आएंगे। इस चीजें दूसरा मैं बताता हूं आपको, दिल्ली को एक मतलब अड्डा बना के रख दिया, चारों तरफ से आपने चीन पाकिस्तान मतलब बना के रख दिया, यानी अपने ही भाइयों के लिए, अपने ही अपने ही भगवान देवताओं को आपने मतलब बॉर्डर बना के नहीं, और उनको तुमने बरसात के ऊपर और सर्दी में तड़पने के लिए छोड़ दिया, इसका श्राप खाली नहीं जाएगा। धन्यवाद। ठीक है राम, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी। सिरसा से एक दर्शक गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, क्या राय है आपकी? सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। और मेरी राय तो ये जी, अगर ये सरकार जो कृषि कानून है ये अगर वापस ले ले, सरकार को नुकसान क्या है? ठीक है, एक और दर्शक प्रमोद कैथल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, आपकी क्या राय है? सर 70 साल से जो सरकार थी और ये जो पहले कानून थे उन्होंने कुछ नहीं किया, अब ये नए कानून नरेंद्र मोदी जी ने बनाए हैं, ये बहुत अच्छे कानून है, हमारी यही राय है कि इनको लागू किया जाए। और ये जो देश विरोधी ताकतें हमारे भारत और हिंदुस्तान पे जो हैवी होना चाहती है, ये इनका प्रोपेगेंडा है सारा। सर हेलो,
ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय दीजिए, हम लगातार किसान आंदोलन को लेकर इस पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। 72 दिन हो चुके हैं आंदोलन को, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला, ना कोई समाधान की आस अभी दिखाई दे रही है। इस बीच सड़क से लेकर संसद तक इस मसले पर बातचीत हो रही है। लगातार जो विपक्ष है इस मुद्दे को लेकर हमलावर है, वहीं सत्ता पक्ष से भी इस कानून को लगातार किसानों के पक्ष में बताया जा रहा है, जबकि किसान यही कह रहे हैं कि वो तीनों कृषि कानून जो है उन्हें मंजूर नहीं है। और जो दर्शक भी जुड़ रहे हैं वो भी, उनका भी कहना है कि इंटरनेट सेवाएं जो बंद की गई हैं उन्हें बहाल किया जाए। इस बीच राज्यसभा में भी आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इस मुद्दे पर बयान दिया। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे? किसान आंदोलन 72वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई समाधान दिखाई नहीं दे, क्यास जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम का भी ऐलान किया है। हेलो जी, बोलिए। किसानों की तरफ जी सरकार को ध्यान देना चाहिए जी। किसान की हालात बहुत खराब है, किसान सड़कों पर शहादत दे रहे हैं आंदोलन में। सरकार, देश के प्रधानमंत्री ने आज तक एक लफ्ज नहीं बोला। किसानों ने इतनी हत्या, वहां पर जो किसान मृत्यु हुई है, सर्दी से मर रहे हैं, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और किसान आंदोलन के लिए सरकार को झुकना चाहिए। ये देश के अन्नदाता है जो पूरे देश को भरण पोषण करते हैं। ठीक है, आप अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो दर्शक भी जुड़ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि किसान आंदोलन 72वें दिन में प्रवेश कर चुका है, इस बीच सरकार को थोड़ी नरमी दिखानी चाहिए और किसानों की जो मांग है उसे माननी चाहिए, ताकि किसान जो हैं वो लगातार खुले आसमान के नीचे 72 दिनों से बैठे हैं। इस बीच कई किसानों ने अपनी जान गंवाई है और इसी को लेकर जो दर्शक हैं उनकी भी राय है कि इस मसले का जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए, ताकि किसान खुशी खुशी अपने घर लौट सकें। लेकिन सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है और किसान कानून वापसी से कम पर कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर गतिरोध बना हुआ है। एक दर्शक राहुल गुहाना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आपकी क्या राय है? नमस्कार। नमस्कार सर, ये इंटरनेट कब तक चालू होगा? इंटरनेट तो सरकार के तरफ से जब फैसले आएंगे उसके बाद ही। सरकार को सभी जिलों का बंद करना चाहिए ना, ये कभी एक कर रहे हैं कभी दो कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? ये सरकार को देखना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई पे क्या असर हो रहा है। आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी सर, मैं स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में जाता, मेरी ऑनलाइन क्लास लगती है। तो आप चाहते हैं इंटरनेट सेवाएं बहाल हो? हाँ जी सर। सर अभी देख लो, कल कह रहे थे कि 2 जिले, अब ये 2 जिले रह गए, पहले 4 थे, फिर उससे पहले 10 थे। चाहे तो सभी बंद करो, चाहे सभी बहल सभी खोलना चाहिए। ठीक है राहुल, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि जो इंटरनेट सेवाएं हैं उसको बहाल की जाए, ताकि उनको जो ऑनलाइन पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही वो ना हो सके। एक दर्शक नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आपकी क्या राय है किसान आंदोलन पर? 72 दिन बाद भी समाधान की आस नहीं। सर हाँ जी, मैं नरेंद्र बात कर रहा हूँ पलवल। जी बोलिए। सर ऐसा है कि किसानों की बात इनको मान लेनी चाहिए, किसानों की और बात, आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। समाधान जरूरी से जरूरी निकलना चाहिए। समाधान जरूरी निकलना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, कोई किसी ना किसी को तो झुकना ही पड़ेगा, किसान तो झुक नहीं है सर। अब सरकार के हाथ में है आम लोगों की परेशानी भी देखना, किसानों की परेशानी देखना।
ठीक है नरेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो जो दर्शक भी फोन कर रहे हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार को जो किसानों की मांगे हैं वो माननी चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान हो सके, और किसान भी लगातार अपनी मांगों को लेकर ही धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार किसान कह रहे हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले और एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे। और साथ ही अब और कई मांगें जुड़ गई हैं, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पे जिन जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ था उन्हें उन पर से मुकदमे वापस लेने की भी अब मांग उठने लगी है। सिरसा से वेद प्रकाश एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश, क्या राय है आपकी? मेरी राय यही है जी, किसान बैठा है दिल्ली के अंदर 70 दिनों से बैठा है, सरकार कुछ कर ही नहीं रही जी। 170-180 किसान मर चुके हैं, वहां पे डेथ हो चुकी है। कुछ सरकार को लेना चाहिए जी एक्शन, लेना चाहिए, किसानों के बारे में सोचना चाहिए। कल किसानों ने चक्का जाम का भी ऐलान किया है, किस तरह से देखते हैं आप? नहीं बिल्कुल जायज है जी, इनका कोई सुन ही नहीं रहा तो क्या करेंगे जी। चक्का जाम तो इनका फैसला सही है जी, करना भी चाहिए, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही जी। अब देखो, अब टिकरी बॉर्डर पर देखो, आप कैसे किले लगवाई है, किले लगवाई है, बैरिकेडिंग कर गया या क्या कर रहे हैं जी, बताओ। ठीक है वेद प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। एक और दर्शक संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आंदोलन पर किसानों के? हेलो जी, बोलिए। हेलो संदीप, आवाज आ रही है? हेलो सोनीपत से एक दर्शक राजवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजवीर, आपकी क्या राय है? अरे मारी है जी, किसान अब आपको समाधान होना चाहिए, रोज मर रहे हैं बेचारे। कल किसानों ने चक्का जाम का भी ऐलान किया है, क्या कहेंगे? चक्का जाम बहुत ठीक है जी, चक्का जाम होना चाहिए। ठीक है राजवीर जी, आपने अपनी राय दी, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो किसान आंदोलन 72वें दिन में प्रवेश कर चुका है, और जो भी दर्शक अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो लगातार वो भी यही बात कर रहे हैं कि जो किसानों की मांग है उसको सरकार को माननी चाहिए और इस मुद्दे का हल जल्द से जल्द निकालना चाहिए ताकि जो किसान है वो अपने घर लौट सके। और 72 दिनों से किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले, एमएसपी पर लिखित गारंटी दे, लेकिन सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने 12वें दौर की वार्ता में जरूर 1.5 साल के लिए कानून स्थगन का प्रस्ताव दिया है। संदीप एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? जो ये पहले सरकार ने कील लगाई थी, अभी कील क्यों काट रहे हैं जी? यही राय कि सरकार ने कील लगा दी थी, कील क्यों काट रहे हैं अब ये? ठीक ठीक है, आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।